हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीना किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो पिकल। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंगो को मैं ऐसे पीस पीस करके काट ली हूँ, उसी का सिल्का भी नहीं निकाली हूँ मैं। तो अभी इसको मैंगो को मैं बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने से मैंगो को क्या होता है, बॉयल करने से जो खट्टापन रहता है वो खट्टापन नहीं रहता है और मैंगो अच्छे से गल जाता है। इसलिए मैंगो को पहले बॉईल कर लेना चाहिए। आप लोग भी बॉईल कर लेना। तो मैं मैंगो को पहले बॉईल कर लेती हूँ। ये मैंगो पिकल जैम जैम टाइप का लगेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलो अभी मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ, तो इसी के अंदर मैं तेल ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। तभी मैं इसी के अंदर सेव डाल दूंगी। देखो पांच बड़ और तीन तेज पत्ता डाल दूंगी और सूखा मिर्ची भी डालूंगी मैं चार पीस। सूखा मिर्ची डालने से स्पाइसी लगता है, खाने में भी और भी जबरदस्त लगता है। तो इसको पहले अच्छे से लाल लाल कर देते हैं। मैंगो पिकल बहुत टाइप का बनता है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे टाइप का मैंगो पिकल का रेसिपी देकर आ जाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं इसी के अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से ऐसे हिला लूंगी और अभी मैं जो आम था बॉईल कर ली थी, मैं आम को मैं अभी डाल दूंगी इसी के अंदर, डाल के अच्छे से इसको पका लेंगे। धीरे धीरे करके पकाना है ताकि जो छिलका है वो छिलका या तो उसी के अंदर से जो भी बॉईल कर रखी थी मैं वो ना टूटे। तो अभी इसी के अंदर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर दी हूँ और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। अभी फूड कलर डालने से मैंगो पिकल ग्लेज जैसे कि कलर बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं इसी को अच्छे से हिला हिला के पका लूंगी आराम से एकदम से। मैं इसी के अंदर शुगर ऐड कर दूंगी 1 कप के आसपास, आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दूंगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हिला हिला के। मैं और एक टाइप का लेकर आऊंगी मैंगो पिकल, जो आप लोग ब्रेड में भी लगा के खा सकते हो। कम से कम वो वाला मैंगो पिकल आप लोग 10 से 15 दिन रख सकते हो। तो अभी मैं इसको अच्छे से पका के, तो देखो पकाना हो गया। तो अभी मैं इसको खाली कर लूंगी बर्तन में। तो देखो जैम जैम टाइप का कितना अच्छा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है देखो, और इसका ग्लेज भी देखो कितना अच्छा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।